वेलकम टू आनंद एंड भवानी ब्लॉग। आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं बताएंगे आपको। कुछ बहुत एक यूनिक जगह है और वो है दानी रिसोर्ट, वाडा में है ये। विरार से थोड़ा राइट मार के तकरीबन 50-60 किलोमीटर अंदर है। फ्रॉम बॉम्बे 70-75 किलोमीटर है। वी आर गोइंग, हम लोग सब दानी रिसोर्ट जा रहे हैं विद फैमिली, विद कपल्स, और वी आर ग्रेट, हम ग्रेट एंजॉय करने वाले हैं। यस, अभी तक तो हमने भी हम लोग कपल के साथ में जा रहे हैं। आपका हम जो कॉलेज के बाद पहली बार हम नहीं थेपले का प्रोग्राम भी है देखिए, और अचार भी, वाह, चटनी, मिर्ची, रोटी है। 15-20 मिनट या आधा घंटे के रास्ते पे है। हमारे पास में बहुत ट्रैफिक है, बहुत ट्रैफिक, तकरीबन 4 घंटा लग गया हम लोग को। आइए भवानी जी, आपका स्वागत है। ये तो गलत बात है भैया, आपका व्लॉग है तो इसका मतलब हमारी भी आपने आएगी, आएगी सबकी आएगी। बात है यार, बड़ी थकावट भरा सफर था लेकिन मजा आया यहाँ उतर के। अभी तो बस अब ट्रैवल करके आए हैं, अभी देखिए अभी आगे और हम एंजॉय करने वाले। पवन जी भी आ गए। पवन जी हेलो कहिए। हेलो, आइए आइए पवन जी, आइए आराम से। हम आखिर पहुँच गए है दानी रिसोर्ट, और ये दानी रिसोर्ट है मनोहर में, मुंबई से तकरीबन 70-75 किलोमीटर दूरी पे है। कैसा रहा सफर आपका? सर बहुत आनंद आया, बहुत बढ़िया लगा। थक गए होंगे ना? नहीं बिल्कुल नहीं थके, अभी तो फुल एनर्जी है। ये देखिए, और ये एनर्जी, ये इतना एनर्जेटिक रहना दिन भर की बस पूछिए मत। इट्स वेरी ग्रेट एक्साइटमेंट इट इज, एंड आई एम रियली एंजॉयिंग द कंपनी ऑफ देम। चलिए बढ़ते हैं दानी रिसोर्ट में। स्टार्ट करेंगे तो राकेश जी एंजॉय कर रहे हैं। चलो ये थोड़ा सा ब्रेकफास्ट शुरू हो गया हमारा, हमारे साथ एज यूजुअल किशोर, एज यूजुअल हमेशा नाश्ता ब्रेकफास्ट बनाते थे, और अभी मिला तो दिनेश जी क्या भाई, दो भाई भाई कुछ साथ में आज लगी है, सैटरडे को रिलीज हुई है भाई, आज दो भाई हाँ तो साथ में भाव जाएगी। हमारा ब्रेकफास्ट तो हो गया है और टेस्ट भी अच्छा था ब्रेकफास्ट का, और सबसे ज़्यादा पहली बार की भूख लगी थी हमें, इसलिए हमने एंजॉय किया। अभी देखिए यहाँ बारिश भी हो रही है। पूजा जी आगे का क्या प्रोग्राम है? वहाँ पे गेम्स खेलने वाले हैं, जो जल्दी पहुँचेगा उसे अर्ली बर्ड प्राइजेस अवेलेबल हैं। और वहाँ अच्छा कुछ अब रेन डांस वगैरह, रेन डांस होगी इसके बाद वहाँ पे पूल एरिया। तो अभी डायरेक्ट रेन डांस में जाए क्या? नहीं अभी पहले गेम खेलेंगे फिर। चलिए लेट्स, चलिए भाई जैसे पूजा जी ने बताया कि पहले गेम खेलेंगे। अरे सर सर सर, हाउ आर यू? ब्रेकफास्ट हो गया? हाँ ब्रेकफास्ट हो गया। अभी क्या गेम खेलने के लिए बैठे? हाँ अभी ये टाइम आप लोग जीतोगे, लास्ट सेमीफाइनल में हार गए आप लोग। क्या बात कर रहे हैं? हाँ सर। और राकेश जी गेम खेलने बैठे हो सर? हाँ जी। अभी गेम में क्या गेम है अभी बताओ कुछ प्रोग्राम? दानी रिसोर्ट वाला जो गेम खिलाते ऐसा है क्या? चलिए अच्छी बात है भाई। और सर कैसा फील कर रहे हैं? बहुत बढ़िया जा रहा है मुझे, नाश्ता बढ़िया था, मजा आ गया। देखिए नाश्ता तो बढ़िया था, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन नाश्ता से ज़्यादा भूख बढ़िया थी। बहुत भूख बढ़िया थी, भूख भी बढ़िया थी। हाँ भूख
भूख इम्पोर्टेंट होती है, कहीं कुछ भी मिल जाए भूख लगा खा जाता है, कुछ भी मिल जाए वो सब अच्छा नहीं है। और अभी अगर थके रहोगे ना तो कोई भी खटिया है ना, खटिया आपको मजा आ जाएगा। बोल सकते आप गद्दा पड़ जाती है, ये हमारे योगा गुरु जी है सर। आधे घंटे में कितने फीट है आपको दिख रहे होंगे, और 75 के आसपास है। ये हमारे रोशन भाई कुछ जीवन का बहुत बड़ा सत्य बताने जा रहे हैं। देने वाला तू, तो मैं क्यों ना लूं? हाँ, अरे वाह, देने वाला तू तो मैं क्यों ना लूं? और वो समोसा वाला कौन सा था? हाँ, वो था एक कचौड़ी दो समोसा, दो कचौड़ी एक समोसा, एक कचौड़ी दो समोसा। अरे आपको जो अच्छा, जिसको जो अच्छा लगे वो दो कचौड़ी दे देना। जीवन का क्या भरोसा? सही बात है, एक कचौड़ी दो समोसा, जीवन का क्या भरोसा? इसके मतलब है खाते रहो, कचौड़ी और समोसा तो रहेंगे और जीवन का देखा जाएगा। आएंगे सब, आएंगे, एंजॉय कीजिए, जैसे इन लोग एंजॉय कर रहे हैं हमारे साथ, हम भी एंजॉय कर रहे हैं। गुरुजी बीवी सबको फंसा लेती है। अच्छा हुआ आप ले भाभी को, नहीं लाए भाभी को, नहीं लाए आप, अच्छे ले सोच समझ के इतने लोग पास में क्यों नहीं लाए मालूम है क्या? नागपुर लेके बैंकॉक जाओगे तो क्या लेके जाओगे? बैंकॉक में वही हो गया ना, बैंकॉक जाओ लुगाई को लेके जाओ, वही बात होती है। ये देखिए हमारे सबसे एक्टिव डायनामिक बीवी को नहीं लाया इसलिए हो? किसकी बीवी? खुद की नहीं देखो, अभी तो मैं लड़की ढूंढ रही हूँ। मतलब कहाँ कहाँ से पीटे हुए हो बॉस? कहाँ से भी समझ लो, अभी तो अपन बिंदास है भाई, ये रिकॉर्डिंग पे है, जाएगा भाई। मंजू कुछ नहीं बोलेगी, मंजू वैसे भी कुछ नहीं बोलती बेचारी। अभी तो बाय डाटा भेजे हैं, अभी थोड़ी देर में म्यूजिकल चेयर चालू हो रहा है, और देखिए अभी एंजॉय करेंगे सब अपने पार्टनर के साथ रह के। जन बचे हैं और दोनों जहांगीर ब्रदर्स है, देखिए एक कुर्सी के लिए भाई भाई कैसे लड़ते हैं ये मालूम पड़ जाएगा। ये है हमारे दिलीप बुलानी और अपने दिनेश जहांगीर, और ये हमारे भवानी। अरे इसका मतलब है दोस्ती हमेशा जिंदाबाद। देखो बस में हस्बैंड वाइफ जीते और यहाँ पे दोस्ती जीती, तो आप ये मत बोलो कि हस्बैंड वाइफ को मत भेजा, यू आर रॉन्ग। कैसा लग रहा है भाई? अरे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इनकी खुशी किसको जानी बैठनी होती है। ऐसे ऐसे इंटरनेशनल मरीन लाइन से रोड शो निकालेंगे। ठीक है, चेयर तो हो गया है, अभी ये देखिए सर थोड़ा रिलैक्स मूड में है। होप आप लोग को पूजा हम लोग आके आ गए हैं, ये छोटा सा स्विमिंग पूल और वाटर स्पोर्ट्स का है और एंजॉय कर रहे हैं। अभी देखो क्या है मालूम नहीं, लेकिन 2 बजे तक ही चालू रहेगा, इसलिए हम लोग अभी 1 घंटा 1.25 घंटा है हमारे पास। आ रहा
में रखना।
में वाटरफॉल बता रहा है, आर्टिफिशियल वाटरफॉल है, एंजॉय कर रहे हैं हम लोग।
यहाँ लंच है, 1 से 3 बजे तक का लंच है, कूपन ले लिया है, हम लोग फैमिली के लिए वेट कर रहे हैं। और ठीक है, करने चलो, हाँ, लंच है, चलो। अभी देखिए पूरा आपको बता रहे पब्लिक कैसे लंच कर रही है यहाँ। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि जितने भी संसार में राक्षस है वो आपके अंदर है, बाहर बिल्कुल नहीं। फर्स्ट फाइव नंबर्स पहले फाइव कटेंगे, हॉली फाइव का प्राइस, हॉली सेवन दोनों टिकट मिला के जब 7 नंबर हो जाएंगे, हॉली सेवन का प्राइस, ये सब समझा? अच्छा, 100 रुपीज। देखिए भाई, दिनेश को एक हॉली का 5 मिनट लग गई है, 100 रुपीज प्राइज मनी। दिनेश को भाई फुल हाउसी लग गई है। दिनेश आएगा? हाँ, उम्मीद और आशा की किरण बाकी है, हमारी उम्मीद बाकी है, फौजी फौजी की भाई हो गया, हमारा एक फुल हाउसी हो गया भाई। देखिए आखिर हम लोग जीत गए, राकेश भाई भी 2 बार फुल हाउसी ले लिया, 1 बार हॉली ऊपर, 1 बार लिया है। मेरा नाम सुरेश टहलियानी है और मैं मर्चेंट नेवी में इंजीनियर था, उसके बाद में मैं ऑफशोर में मैंने एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर और प्रोजेक्ट इंजीनियर काम किया, जो सबसे प्रोजेक्ट होते हैं वहाँ। चिड़ी का नौवीं पेन को मिला, ओके। और दिल्ली दूरदर्शन के साथ नहीं आई है, प्राइस नहीं लगे। तुम्हें इधर उधर 7 फेरे तो वहाँ मारे थे, पता नहीं कितने फेरे मारने पड़े आज। 7 चरों के 7 फेरे हो गए हैं। जीवन का क्या भरोसा, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया, नहीं होश में है हम होश में है, नजर का मिलाना गजब हो गया। क्या बात है, हसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान, मेरी जान। मिली एक अजनबी से कोई आगे ना पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। एक लड़की बीबी भारी सी, होती ना कोई धागी सी, मिली एक अजनबी से कोई आगे ना पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। पूरी है, पूरी है, भागरी है, तो वो सोचता है, लोग तीनों बोलते हैं कि हम लास्ट 15 साल से टिफिन ला रहे हैं और हमको यही खाना मिल रहा है, हम बहुत परेशान हो गए, अब क्या करेंगे। तो तीनों लोग ने डिसाइड किया कि अगर कल भी हमको यही खाना मिलता है, यही लंच बॉक्स मिलता है तो क्या करेंगे। तब बोले एक काम करो, अगर कल अगर यही मिलता है तो हम तीनों अपने ऑफिस के बिल्डिंग से नीचे कूद कर अपनी जान दे देंगे। ओ, होता क्या है, कल वापस से आते हैं हम लोग और जैसा टिफिन खोलते हैं हम लोग तो साउथ इंडियन का इडली मिलता है, नॉर्थ इंडियन का वही पराठा मिलता है,
और महाराष्ट्र के यहाँ वही उसकी साग की सब्जी मिलती है। अब तीनों बहुत परेशान, वादे के मुताबिक तीनों जान दे देते हैं भाई, खुद के नीचे मर जाते हैं। खत्म नहीं हुआ, अभी तो बहुत बाकी है। अब जब तीनों खत्म हो जाते हैं तो उनकी बीवियाँ आती है और उनको बताते कि ऐसा ऐसा है, इसके लिए उन्होंने आत्महत्या कर दी। तो पहले उसकी जो साउथ इंडियन बीवी इतना रोती कि पागल हो जाती है, और नॉर्थ इंडियन की बीवी वो भी रोते रोते बहुत परेशान हो जाती है। अब जो महाराष्ट्र की जो वाइफ थी वो बोलती है, वो एकदम शौक में, अरे क्या करे, एकदम शौक में रो रही है, कुछ नहीं है, कुछ बोल नहीं रही है। तो लोग परेशान हो गए, उस स्टाफ कि भाई क्या करे, उनको जगाए, उनको बोलते हैं कुछ तो समझो, क्या क्यों टेंशन है आपको, जो होना था हो गया। अब ना मैं ये नहीं सोच रही हूँ, मैं ये सोच रही हूँ कि वो आदमी रोज खुद खाना बनाता था और खुद टिफिन पैक कर रहा था, फिर भी ऐसा कैसे हो गया, इसी शौक में आप ही तक होंगे। दोस्तों अभी आज का यहाँ टोटल डे टूर का प्रोग्राम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। पूरे दिन भर हम लोग एंजॉय किए, स्विमिंग किए, गेम खेले, सिंगिंग एंजॉय किए जैसे आपने देखा है। और यहाँ आप देखो, ये लास्ट में 7 बजे इनका हिसाब से डिनर का है, ये डिनर खा के सीधा बस में निकलना है, जाने में तकरीबन 4 घंटा लगेगा। ऊपर हम लोग 2 बजे खाए तो पेट तो अभी भी भरा है, लेकिन फिर भी ठीक है, थोड़ा थोड़ा टेस्ट करके वैसे ही निकलेंगे। आज का पूरा ब्लॉग आपको कैसा लगा, आनंद एंड भवानी ब्लॉग? और प्लीज़, हमें मालूम है कि आप हमारा चैनल देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर पाते हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, कुछ भी अच्छा लगा बुरा लगा या कुछ भी आपको सजेशन देना आप सब हमको दीजिए और एंजॉय कीजिए हमारा वीडियो। आज का हमारा दानी रिसोर्ट का पूरा के पूरा व्लॉग कंप्लीट कर लिया है। और ये सबसे बड़ी बात है कि हमने वो फैमिली के साथ, हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में आए थे हम लोग। हाँ, उनके फ्रेंड भी है भाई। हाँ, उनके सारे फ्रेंड लोग भी हैं। ये हमारे फ्रेंड भी है वैसे। गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब योगा वर्ल्ड ने ऑर्गेनाइज किया था। देखो हमारे यहाँ ये हमारा, हाँ आएगा, अरे आएगा फिर। ये देखिए हमारी बस लगी हुई है, ये क्या भाई, सुबह जो मुस्कान थी शाम को थोड़ा थकान में बदली हो गई, लेकिन ये बहुत वंडरफुल सिंगर है। जवानी में क्या गान रहते होंगे मुझे मालूम नहीं। हाँ गुरु जी हमारे भी थक गए हैं। हाँ हम भी हैं इधर। अरे आप तो हमेशा रहोगी। हाँ अरे वाह, थोड़ा सा भाई एक बोतल हमें भी दे दीजिए, तो मेहरबानी, बचे है कुछ तो दे दीजिए, नहीं है आपकी वो भी, धन्यवाद आपका। हाँ चलो, पानी रहेगा, जल ही जीवन है भाई। चलिए बस में देखिए, सब लोग अपने अपनी सीट पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो पहले था सीरियल नंबर उसी में। ये भी एक महान सिंगर है। हाँ कल्याणी जी, आप लोग पूल में थे क्या? पूल में थे पर हम छोटे वाले पूल में थे। सब में आ गए, आ जाएगी, फिक्र मत कीजिए। ये तो चाइना वाले स्टाइल में बना रहे। हाँ लाइट आ जाती है, वही है क्या बोल रहे। अरे नहीं कोई बात नहीं है, हम तो यार आ जाओ। अरे भाई तो एक काम, तो मेरा तो नीचे ही रख दो, नीचे बैठ।